अमेठी जिले में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही एक बार फिर आई सामने, जिसके चलते जिले के जायस कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरे अजीम गांव निवासी 18 वर्षीय युवक हरिकेश पुत्र राम प्रताप की 11,000 वोल्ट के लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच तथा विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि हरिकेश नाम का ये युवक मवेशी चराने के लिए बाग में गया हुआ था, जहां पर आम के पेड़ के नीचे से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह लाइन जमीन से महज 4 फीट ऊपर है। वहीं पर गिरे आम को जब वह उठाकर जैसे ही खड़ा हुआ, तत्काल वह विद्युत कट की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन परिजनों ने तत्काल उसको लेकर जायस के निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां से डॉक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुर्सतगंज भेज दिया। फुर्सतगंज सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने युवक को मृतक घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल अमेठी जिले में इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह विद्युत विभाग की लापरवाही से तमाम घटनाएं जिले में घट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में सोया रहता है। क्या नाम भैया आपका? राम किशोर। कहाँ निवासी हैं आप? जी पूरे अजीम की। थाना को पड़ता है जायस। कल क्या घटना हुई आपके यहाँ? साहब वो भैंस चराने गया था लड़का। क्या नाम था उसका? राम किशोर। कितनी उम्र थी उसके लड़का की? हरकेश नाम था। उम्र? 18 साल। कैसे क्या घटना हुई? घटना साहब भैंस चराने गया था और आम का पेड़ वहाँ था और कोठी थी बगल में, उसमें कहीं लटकी थी और उसमें तार लटका था और तार हिलगा था नीचे, 4 फीट ऊपर था वो जमीन से 11,000 से। और उसको जो है वो आम उठाया और उसके बाद वो जैसन उठा वो कनपटे भी छू गई सर, और लड़का तुरंत 1 मिनट के अंदर गिर गया, खत्म हो गया। गिर गया? गिर गया। तो कहाँ लगे उसको आप? उसको यहाँ से जायस ले गए तौफीक डॉक्टर के यहाँ, वहाँ गया, वहाँ जवाब दिया, फिर फुर्सत बन गई, वहाँ भी डॉक्टर बताया कि खत्म। क्या चाहते हैं आप लोग? ये सहायता हो जाए बस, इतना बहुत है और क्या होगा, इसमें कुछ किया जा सकता नहीं ऊपर वाले। क्या लगता है कि क्या लापरवाही से ऐसा बच्चा घटना हुई? सर उस तार की वजह से हुआ। क्या नाम भैया आपका? राम प्रताप। कहाँ निवासी हैं? पूरे अजीम। कल क्या घटना हुई आपके यहाँ? लड़का भाई चला गया। हाँ बस में कोठी 11,000 निकली थी, उसमें तार लटका था जी, तार लग गया उसके कनपटी पर। फिर क्या हुआ उसके बाद? खत्म। गिर गया। खत्म। गिर गया। तो आप लोग इसको ले गए दिखाने के लिए, इलाज के लिए? जी इलाज के लिए। हाँ जायस ले गए, फुर्सत में ले गए। हाँ फुर्सत में डॉक्टर बोले कि ले जाओ, खत्म हो गया। तो इसकी सूचना हमने कही थी थाना वगैरह में? हाँ कल आए थे, कोतवाल भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे। हाँ लिख पढ़ के आप न ले। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे सहायता हो जाए कुछ सर, जो है बाकी तो जो होना था होगा। सहायता हो जाए सर, अब तो जो होना था हो गया। का नाम दिया आपके? गंगा देवी ना भाई। कल क्या घटना हुई? भैया हमारा भैया गए भैंस लेके, अरे अटक लटका रहा भाई, माँ बिजुलिया पकर लीज चले गए रे। अरे अरे बाबा रे तरह लटका।